जानते हैं एक बल्ब पर 100 वाट तथा 220 वोल्ट अंकित है। जब बल्ब जल रहा हो तब उसका प्रतिरोध एवं उसमें प्रवाहित धारा की गणना कीजिए। मुझे प्रतिरोध ज्ञात करना है और धारा की क्या करना है, गणना करना है। तो P बराबर कितना दिया है, 100 वाट दिया है, और जो विभवांतर जो दिया कितने वोल्ट, 220 वोल्ट दिया। हमको प्रतिरोध ज्ञात करना है, धारा ज्ञात करना है। जब हमको प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए जो फार्मूला होता है, वैद्युत बल्ब का प्रतिरोध, तो R बराबर फार्मूला होता है वी स्क्वायर बटे पी। वी कितना दिया, विभवांतर कितना दिया, कितने वोल्ट है, 220 है, 220 दो बार लिखेंगे, अपॉन पी कितना, शक्ति कितनी दी है, 100 वाट, तो 100 लिखेंगे नीचे, अपॉन में जी 2 0 से 2 0 कट जाएगा, 22 22 सेम होता है 484। प्रतिरोध का जो फार्मूला होता है, जो मात्रक होता है, ओम होता है। उसके बाद धारा निकालने के लिए फार्मूला पड़ा होगा शक्ति के सूत्र से। शक्ति का फार्मूला होता है पी बराबर वी आई। हमको आई निकालना है, तो आई बराबर हो जाएगा पी अपॉन वी। आई तो यहाँ पर पी कितनी, शक्ति कितनी दी है, 100 दी है, और जो विभवांतर कितने वोल्ट दिया, 220 वोल्ट दिया। 0 से 0 कट जाएगा, और 5 दूना 10, और 5 से 2 से काटें तो 5 से 10 2 1 कम 2 11 को जब 5 से भाग देंगे तो 0.45 एम्पियर आ जाएगी धारा। तो यही हमारा सोल्यूशन क्या हो गया, सिद्ध हो गया। तो कैसा लगा आपको वीडियो हमारा।